चौंक गई। क्या तुम्हें इनाम ठुकराने की आदत हो, मगर हमारे खानदान में मुचरा करने वाले रकासा को कीमत पर फायदा दी जाती है। उठाओ ये सिक्के, उठाओ, ये तुम्हारे फन की नुमाइश की कीमत है। हमारी मंगनी पर मुचरा करने के लिए इनाम है तुम्हारा, उठाओ। उठा क्यों नहीं रही हो? उठाओ ये सिक्के, और इन्हीं सिक्कों के खातिर तो तुम यहां पर आई हो, उठाओ। वैसे सच कहे ना, बहुत किस्मत वाली हो तुम, शायद ही इतना बड़ा इनाम आज तक किसी रकासा को मुजरा करने के लिए मिला होगा। अब तो तुम पूरा का पूरा शैतानपुरा खरीद सकती हो, उस पर हुकूमत चला सकती हो, और फिर बाद में शहनशाह को खुद ही लड़कार सकती हो। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, धोखा देना, बरगलाना, यही सब सिखाया होगा ना तुम्हारे गद्दार बाप ने तुम्हें। हमारे अब्बू गद्दार नहीं थे, उन्हें गद्दार कहने की हिमाकत मत करना शहजाद। खामोश! गुस्ताख पड़की, शहंशाह ने सारा सी तारीफ क्या कर दी तुम्हारी की वलियत के सामने इस तरह से ऊंची आवाज में बात करने की हिमाकत आ गई तुम्हें? क्या भूल गई कि किसके सामने मुखातिब हो तुम? नहीं भूले, नहीं भूले कि हम उससे मुखातिब हैं जो हमारे हर दर्द की वजह है। लेकिन आप जरूर भूल गए हैं कि आप खुद कौन है, भूल गए हैं कि आप शहंशाह बनने वाले, भूल गए कि आपको अपने आवाम को खुश रखना है, उनके हर दर्द की मरहम बनना आपका काम है, ना कि उन्हें जख्म देना। कैसी जहन्नुम होगी वो सल्तनत जहां हर बेगुनाह के सिर पर गद्दार का दाग होगा, हर नेक इंसान के चेहरे पर चोर लिखा होगा, किसी बीमार के लिए कोई हकीम नहीं जाएगा, किसी शरीफ इंसान के जनाजे को चार कंधे नहीं मिलेंगे, जहां किसी औरत की इज्जत नहीं होगी, और जहां एक मगरूर शहजादा अपने गुरूर में एक शरीफ लड़की को रकासा बना देगा। आपकी हुकूमत में एक लड़की की इज्जत सरे बाजार में बिक रही होगी, एक लड़की को रास्ते से उठाकर शैतानपुरा के कोठे में रात भर बिठाया जाएगा, ताकि वो दिन के उजाले में निकले तो उसके घर पहुंचने तक के सारे रास्ते बंद हो जाए, ताकि उसे हाथों की तस्वीर छोड़कर पांव में घुंघरू बांधने पड़े। तूफान पर लगाम तो गुस्ताख लड़की, सच सुना तो कानों में चुभन हुई, हमने वही कहा जो हमारे साथ हुआ, हमें चोर साबित किया गया, हमारे अब्बू को गद्दार कहकर पीटा गया, उनके इलाज के लिए कोई भी हकीम नहीं आया, जब हम मदद के लिए निकले तो हमें उठाकर कोठे में डाल दिया गया, क्योंकि शहजादी ये चाहते थे हमारे अब्बू के इलाज के लिए हमें पांव में घुंघरू बांधने पड़े। आपकी वजह से हमारे अब्बू की मौत के बाद उनके जनाजे को चार कंधे नहीं मिले, आपकी वजह से। क्या खता थी हमारी कि हमने बचपन में शहजादे से जुबान लड़ा ली, या फिर ये कि शहजादे को हम आम सिपाही समझ उसे अपना दिल दे बैठे। बताइए क्या खता थी हमारी, हम बता दें कि हमसे क्या खता हुई, ये कि हमने हर बार गलत इंसान को चुना, हर बार ना चाहते हुए भी शहजादे सलीम को चुना। शुक्रिया शहजादे, आपने हमारे दिल और जिंदगी दोनों से मोहब्बत को मिटा दिया, सिर्फ नफरत बाकी छोड़ी। झूठ कह रही हो तुम, झूठ! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर इल्जाम लगाने की, कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी? खैर तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हारी जात ही ऐसी है, पहले खुद नापाक काम अख्तियार करो, उसके बाद दूसरों पर इल्जाम लगाओ, यही ना? नापाक तो आपके करिंदे हैं शहजादे, उनसे पूछ, शायद याद आ जाए कि आपने नशे में क्या हुक्म दिया था। आपने हम पर जो जुल्म किया उसके मुकाबले ही कीमत बहुत छोटी है। खुदा हाफिज।
आ